बिस्मिल नादरीन आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं मैं राना उजैर हूँ नादर कम फाइनली गेम इज अवर नाउ इमरान खान के खिलाफ पचहत्तर साल तारीख में किसी भी इदारे ने इतनी बदतरीन इतनी खौफनाक और गजबनाक प्रेस नहीं की होगी जो आज मेजर जनरल डी जी आई एस प्यार एह शरीफ साहब ने कर दी है और इमरान खान के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का आज बायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर मैंने कल आपके सामने ब्रेक की थी कि एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस, इस कदर खतरनाक होगी कि इमरान खान के परखच्चे उड़ा दिए जाएंगे तो आज हमारी उस खबर की तस्दीक हो जाती है और डी सी आई एस पी आर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है

करेंगे कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं वो शदीद तप चुके हैं और उन्होंने हर हद पार कर दी है और इमरान खान के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा और खौफनाक धमाका किया गया है इस हवाले से भी अंदर की कहानी है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है और फिर तीन जर्नैलों का हाजिर सर्विस तीन जर्नैलों का कोर्ट मार्शल और ये कहानी क्या है और किस तरह से इसको बुनियाद बनाया जाएगा और इमरान खान के खिलाफ किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा आज खुद पाकिस्तान की फौज ने इसका भांडा फोड़ दिया है डी जी ने भांडा फोड़ दिया है इस पर भी बात करनी है और फिर जनाब जो मेजर जनरल फैसल नसीर डीजी सी आई एस आई है उनकी अचानक आज एक हंगामी एंट्री होती है उस पर भी बात करेंगे लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को को सब्सक्राइब कर दबा आने तमाम तरह अपडेट्स में बर वक्त पेश होती रहें नदर खान ये बात तो अब तय हो चुकी है कि इमरान खान का मुकाबला है पाकिस्तान की ताकत पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ जीएचक्यू के साथ क्योंकि अब जो है जीएचक्यू खुलकर सामने आ चुका है जीएचक्यू इमरान खान को पसंद करने को तैयार नहीं है वो इमरान खान को पसंद क्या बल्कि बिल्कुल हर तरह से उसको वाइट वॉश करना चाहता है और पाकिस्तान की कभी सियासी और फौजी तारीख में ऐसा नहीं हुआ जो आज पाकिस्तान की सियाद तरीन तारीख जो है वो लिखी जा रही है और अगर इन पर तनकीद कर दी जाए अगर इनके खिलाफ कोई एक लफ्ज बोल दिया जाए तो हम हबदार हम दुश्मन हम एंटी स्टेट हम एंटी पाकिस्तान अगर हम इनके बूट पॉलिश करना शुरू कर दें अगर जब जनाब हमारी जुबा जो है वो इनकी बूटों पर लग जाए हमारी जुबा बिक जाए हम पैसा लेकर इनके हक में बात कर लें जब हम मुहब वतन हैं हम जनाब पाकिस्तान के सबसे बड़े खैर ख्वाह होंगे हम पाकिस्तान की फौज के मुहबे वतन होंगे और हालांकि हमारी फैमिलीज जो है उसके पीछे कुर्बानी दे चुकी होंगी ये जनाब आज पाकिस्तान की सहाफत का सबसे बड़ा आलमिया है कि जितने भी एंटी एंटाइस्टेब्लिशमेंट थे जितने भी जनाब जो पाकिस्तान में सिविल सुप्रीमेसी का राग लाते थे आज सारे के सारे जो है वो लंबे लेट

रही है और अगर आप इससे पहले भी बात करें कि इमरान खान कई बार जो है लेकिन किसी भी तरह का इधारे ने कोई रिस्पांस नहीं दिया इधारा इमरान खान के साथ बात करने को तैयार रही है मुजाक करने को तैयार रही है हालांकि पाकिस्तान की बात हो रही थी

अदालतों में केसेज चलाने के हवाले से जस्टिस अली शाह जो है वो उस केस से आज अलग हो गए इसकी मुकम्मल डिटेल्स मैंने अपने पिछड़े ब्लॉक में रखी अब जहाँ पूरा अपने पोलिटिकल सीनियरियों समझने में खबरों पर, पर पहुँचता हूँ कि दुबई जो है वो उस ताकत का मरकज बना हुआ है और एक फैसले पिंडी के अंदर हो रहे हैं जी एच क्यू में और दूसरा जो फैसलों का मरकज है या ताकत का मरकज दूसरा जी एच क्यू है वो जनाव इस वक्त पाकिस्तान जो है वो दुबई बना हुआ है दुबई में नवाज शिफ हैं आसिफ हजारी साहब हैं बिलावल भुट्टो हैं और फिर मरीब नवाज़ साहिब वहाँ पर मौजूद हैं और आज अब से कुछ देर पहले मरीब नवाज़ की बिलावल भुट्टो और आसिफ अली दद्दारी साहब के साथ एक अहम मुलाकात हुई है यह मुलाकात इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है कि सीट एडजस्टमेंट के ऊपर होना किसको कितनी सीटें मिलेंगी किसको कितनी हुकूमत मिलेगी और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज मेरे जराये के मुताबिक पंजाब और बलोचिस्तान को अपने टारगेट पर रखी हुई हैं और जो अगले वजी है वो मुमकिन तौर पर बिलावल भुट्टो जो है पाकिस्तान पीपल्स बना रही है लेकिन जो एक नया नाम सामने आया है वो भी इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है अब ये आपने समझ लिया कि पूरा खेल किस तरह से रचाया जा रहा है इमरान खान को प्लांटेड के तहत खुडे लैन लगाना और जनाब दुबई जो है वो इस वक्त तवज्जो का मरकज बना हुआ है और लंडन प्लान के बाद दुबई प्लान जो है वो सब मंजर आम पर भी आ चुका है अब जनाब उस सबके अंदर डीजीआईएसपीआर जी जनरल एहमद शरीफ साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब इदारे को सबसे ज्यादा पाकिस्तान में तारीख में

प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट थी मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तमाम मिनट्स आपके सामने रख देता हूं और उसका मुकम्मल पोस्टमार्टम भी हम कर लेते हैं डीसी का कहना है कि फौज या एजेंसी पर सानिया नो मई करवाने का इल्जाम से ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती इमरान खान साहब ने कहा कि एजेंसीज़ के लोग थे जिन्होंने वहां पर हमले किए मैं सबूत पेश करने को तैयार हूं लेकिन इमरान खान साहब को बुलाया नहीं जा रहा और इमरान खान साहब कहते हैं मेरे पास सबूत मौजूद हैं उनसे सबूत मांगे नहीं जा रहे लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले जो हैं वो अपना माथा साफ कर रहे हैं वो अपने आ, कपड़ों के जो हैं कपड़े गंदे कपड़े इमरान खान पर झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं इससे जरा मुल्क नहीं चल सकता लेकिन आज फिर ये इल्ज़ाम जो है वो इमरान खान पर लगाया गया एक ख़ास सियासी ग्रोह के पास झूठ और तकसीम के अलावा कुछ नहीं रह गया है ये भी डायरेक्ट इल्जाम इमरान खान पर लगाया गया जो कहते हैं कि जनाब हम न्यूट्रल हैं और फिर उन्होंने मज़ीद कहा कि नौ मई से पहले फ़ौजी क्यादत के, के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही थी और सानिया नौ मई से पहले लोगों की जहन सादी की गई सी सी टी वी रिकॉर्डिंग तस्वीर से वाज है कि सानिया नौ मई मनसूबा बंदी के तहत हुआ गिरफ़्तारी के फौरी बाद दो सौ से जायद मकाम पर तर, सिर्फ फौरी तनसीबत पर हमले किए गए और जनाब ये इतने न्यूट्रल हैं और जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया तो उसके ऊपर भी जहाँ डी जी आई एस व्या ने रदमल दिया कि इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो कानूनी थी और उसके फौरी बाद सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की को गैर कानूनी दिया था अब आपको अंदाजा लगाना है कि फौज इस मुल्क के फैसले करेगी या फिर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो यहां पर फैसले करेगी और फिर उन्होंने कहा कि पोशीदा पैसे से बाहर बैठे लोगों के जरिए माहौल पैदा किया जाता है अब इमरान खान को पाकिस्तान का दुश्मन यहां पर साबित करने की कोशिश की गई है कि इमरान खान इसराइली अमरीकन एजेंट है और भारतीय एजेंट है उनसे पैसे लेकर पाकिस्तान की फौज पर हमले कर रहा है इन लोगों एन या एनजीओ से, से बयान दिलवाए जा रहे हैं यह आपने समझना है और उन्होंने कहा कि जब जलाओ घिराव हो रहा था तो बाहर बैठकर कौन प्रचार कर रहा था कि मजीद जलाओ घिराव करो और साबित हुआ झूठ तफरी और पैकंडा के अलावा खास सियासी गिरोह और क्यादत के अलावा कोई हथियार उनके पास नहीं रह गया था ह्यूमन राइट्स के खिलाफ

काबू पा लेंगे अब जनाब उन्होंने मजीद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बातें कं कि सानिया नौमी के जिम्मेदार को मनतिन जात तक पहुँचाने में रिकावटें डालने वालों को सख्ती से निपटा जाएगा कल जनाब भारतीय भारत का पैगाम आपके सामने है उनके मोदी ने जो वहाँ पर तकरीर की बजाय उसका जवाब देने के एक आई एस प्यार जो है वो इमरान खान का जवाब दे रहा है वह इमरान खान के मुकाबले में आया हुआ है तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त पाकिस्तान के नफरत कितनी भरी हुई है इनको पाकिस्तान की फिक्र नहीं है इनको सिर्फ़ इमरान खान को फिक्स करने की

के जरिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई और पीटीआई को तोड़ा गया और इसके ऊपर जब, जब सवाल 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 हुआ प्यार ने कहा कि एक बार फिर ये फिर फिर यह रिपीट रिपीट करें किया गया आईएस रुक जाते हैं उनसे उनके पास जवाब मौजूद नहीं था उन्होंने कहा कि जनाब मई से पहले हमें संसद कोई लेना देना नहीं है और हम चाहे जो पार्टी छोड़े ना छोड़े हमें कोई परवाह नहीं है और यह भी जवाब उन्होंने अटका कर दिया इससे साबित होता है कि जनाब कितने आज कंफ्यूज खड़े हुए थे वो सिर्फ एक पर्ची लेकर उसको पढ़कर सुना देना से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती जनाब आज ये बहुत सारी जगहों पर फंसे भी हैं लेकिन जनाब उस सद के अंदर उन्होंने ये बड़ी चीजें जो हैं है वाजी कर दी हैं और उन्होंने कहा कि 102 जो मुलजमान हैं वो हिरासत के अंदर हैं और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैं जनाब आपके सामने रख देना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि पाक फौज ने अपने खुद खुदसाबी के अमल को मुकम्मल कर लिया है लेफ्टिनेंट जनरल की अहदे के अफसर के समेत तीन अफसरों को नौकरी से फ़ार कर दिया गया है जिसमें मेजर जनरल हैं और ब्रिगेडियर भी शामिल हैं और लेफ्टिनेंट जनरल कौन हो सकते हैं सलमान फयाज़ गनी साहब जो कि कोर्ट कमांडल लाहौर थे उनको जनाब कोर्ट मार्शल करना उनका नौकरी से फौरी तौर पर फ़ारिग किया गया कल मैंने आपको बताया था कि जनाब ये ये जो अपने लोगों को ठिकाने लगाएंगे और इसका बहाना कर कर इमरान खान को ठिकाने लगाने का मनसूबा है ये सारा एक प्लांटेड वाक्य है और उन्होंने कहा कि सान्या नव मई को पाकिस्तान की तारीख में नहीं बुलाया जा सकेगा और ना हम इन किसी को माफ़ करेंगे तो यानी कि तीन लोगों को बुनियाद बनाया गया है और अब इमरान खान साहब को फांसी लगाई जाएगी और क्योंकि इमरान खान साहब के पास दो ऑप्शन हैं या वो मुल्क छोड़कर चले जाएँ या वो मिल्ट्री कोर्ट्स का सामना करें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी जरा हैंडल कर लिया जाएगा क्योंकि ताकत जो है छड़ी है उसके ज़रिए पाकिस्तान में हमेशा ये नंगा नाच होता रहता है

ये मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं अगर खान साहब मुल्क छोड़कर चले गए तो ये सारा कुछ भी आपके सामने है अब जरा जो मेजर जनरल फैसल साहब की जो एंट्री हुई है उसके हवाले से ख़बर आपको दे देता हूँ मेजर खोरम रोकड़ी साहब है आ, ये आपको पता है कि फैसल रसीदी के दाई करीबी साथी दाई बहुत अच्छे दोस्त हैं अगर ये टी वी के आकर बात करें तो स्पीन के इंटरनल विंग जो है वो आकर टी वी के ऊपर बात कर रही है इन्होंने कहा कि मेरे नजदीक जहांगीर खान तरीन जो हैं वो उनको वज्राजम का उम्मीदवार होना चाहिए तो मेजर फैसल साहब ने अपना यहाँ पर फैसला सुनाया कि जो जहांगीर तरीन है उनको इस्टैब्लिशमेंट जो है वो जहाजा बनाने की के लिए अपना किरदार अदा करेगी